प्राचीन ब्लास्ट के अवशेष, कितनी बेहतरीन कारीगरी की गई है इस पर। सीएल टटवाल निहारते हुए ये देखिए आप, बेहतरीन पिलर पर खड़ा हुआ भुज है। इतनी बेहतरीन कारीगरी शायद ही राजस्थान के अंदर अन्यत्र की गई होगी। ये देखो, ये देखिए, ये हाथियों के देखो, ये देखो हाथियों की, देखो देवरा का भी हम जाने का हाथियों का देखिए आप, कुछ हो सकता है। ये शिवलिंग, यहाँ पर शिव जी की पूजा करते हुए कुछ लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए देवी देवता है, ये देखिए आप गौर से देखिए इसकी कारीगरी, कितनी बारीकी से कारीगरी की गई है। ये देखो आपको ऐसा नजारा शायद ही राजस्थान के अंदर कहीं भी दूसरी जगह नहीं मिल सकता। ये देखो ये ऊपर भी देवगण खड़े हुए हैं, शिवा शिवा, ये देखिए शिवा, ये सामने सर दिख रहा है जो शिवा है, और उसके नीचे सारे उसके कुनवा है। नीचे की तरफ देखो हाथी, हाथी के ऊपर कुनवा है। ये देखिए इनमें प्राचीन पुरातत्व विभाग ने नंबरिंग भी की हुई है। देखिए आप किस तरह से नंबरिंग की गई हुई है, ये देखिए आप, इसके नंबर 2004 में इसकी नंबरिंग की गई है, सबका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये देखिए हर मूर्ति का रजिस्ट्रेशन किया गया है, क्योंकि मूर्ति चोरों से इन अवशेषों को बचाने के लिए भारत सरकार की एक बहुत बढ़िया पहल की गई थी पुरातत्व विभाग के द्वारा, जिससे इन मूर्तियों को मूर्ति तस्करों से बचाया जा सके। ये देखो कितनी बेहतरीन कारीगरी, ये देखिए कितनी बेहतरीन कारीगरी, ये देखो ये कुछ खजुराहो जैसी आकृतियां भी दिख रही है हमें। ये देखिए ये हाथी कितने बेहतरीन और कितने सुंदर लग रहे हैं, कतारबद्ध ऐसी मूर्तिकला, ऐसी मूर्तिकला बहुत ही कम देखने को मिलेगी आपको। ये बिल्कुल खजुराहो की तर्ज पे की गई है, यहाँ पर खजुराहो की तर्ज पे बनाए गए कुछ। देखिए और ये ऊपर गणेश जी की प्रतिमा है, देखिए यहाँ पर पानी निकलता था, ऊपर शायद शिवलिंग था इसमें जिसका पानी यहाँ पर आता था। ये देखिए कितनी अद्भुत कलाकृतियां हैं। कितना अद्भुत नजारा है, बेहतरीन कारीगरी के द्वारा बेहतरीन कारीगरी का नज़ारा देखने को मिल रहा है आपको। देखो आप बहुत बेहतरीन, बहुत ही प्राचीन काल की है
इसलिए पब्लिक के द्वारा विख्यात की गई है। देखिए, अगर मेरे मित्र विजय कुमार जैन अगर होते तो विजय कुमार जैन जी को ऐसी पुरातात्विक अवशेषों को देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। अगर मेरे मित्र यहाँ पर होते तो वह आज बहुत प्रफुल्लित होते, लेकिन मैंने उनसे कहा था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। ये देखो आप, कितना बेहतरीन स्थान, कितना बेहतरीन स्थान। इनको देख के खजुराहो की याद आती है। रिकॉर्डिंग चल रही है सर? रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? तो ये देखिए जो मेन जो दरवाजा है प्राचीन पुरातत्व विभाग का, और इधर अमरीश कुमार मीणा अपने फोटो पोज लेने के लिए खड़े हैं। छींक दिया, हल्के से छींक दिया है ये अमरीश कुमार मीणा। अब देखो प्राचीन पुरातत्व विभाग संग्रहालय के नीचे घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और इधर देखो ये प्राचीन पुरातत्व का कितना अच्छा नज़ारा है, और इधर छोटा सा एक पेड़ है।